हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही तकलीफ हुआ है, हर एक हिंदुस्तानी का दिल रोया। दोस्तों, ये ट्रॉफी, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया को जीतना चाहिए था, क्योंकि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ था हर एक टीम को डोमिनेट किया इंडिया ने, लेकिन इस बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट नहीं कर पाई। बहुत ही अफसोस हुआ दोस्तों, क्योंकि ये ट्रॉफी इंडिया को जीतना ही चाहिए था। डिजर्व कर रहे थे यार ये ट्रॉफी हासिल करे। जब मैच शुरू होने से पहले रोहित शर्मा से पूछा गया था कि कौन सी पिच पे हम मैच खेलना पसंद करेंगे, दोस्तों रोहित शर्मा का कहना था कि मैं काली मिट्टी पे मैच खेलना पसंद करूंगा, क्योंकि हम स्पिन बेहतर खेलते हैं और हमारे स्पिन भी बढ़िया है और हम स्पिन के जरिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को धराशायी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन बता दें आपको कि फाइनल में सेमीफाइनल में मैच हारने का सिलसिला अभी भी जारी है। 2014 में फाइनल में हमको हार मिली थी, 2015 में सेमीफाइनल में हमको हार मिली थी, 2017 में फाइनल में गए थे, वहाँ पर पाकिस्तान से हमको हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर 2016 की बात करें वहाँ भी हमको बिहार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर 2019 की बात करें वहाँ भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हमको हार का सामना करना पड़ा था। 2021 में WTC का फाइनल हमको हारना पड़ा था, ट्रेविस हेड ने 180 रनों की पारी खेलकर हमको धराशायी किया था। वहीं अगर 2022 की बात करें तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हमको हार मिली थी। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों 2023 की, बहुत ही तकलीफ की बात है, यहाँ तक तो हर एक टीम को डोमिनेट अनबीटेन थे दोस्तों, यानी किसी ने टीम ने हमको हराया नहीं था इस वर्ल्ड कप में। लेकिन हार कब हुआ? फाइनल में हार ऐसे वक्त में हुआ कि वहाँ सब कुछ चला गया, यानी वहाँ से वापस लौटने का कोई मौका नहीं था, यहाँ जीतना ही था। लेकिन इंडिया उस काम को नहीं कर पाई, उस काम को ऑस्ट्रेलिया ने किया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई खड़ा था तो होते ट्रेविस हेड। मैंने वीडियो में बोला था, मैच होने से पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें बोला था कि साफ साफ कि ट्रेविस हेड को आउट करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर ट्रेविस हेड आउट नहीं हुए तो इंडिया के हाथ से मैच को छीन कर लेकर चले जाएंगे। और वही हुआ दोस्तों, अकेले बंदे ने खड़ा रहा और खड़े होकर के सिर्फ मैच को नहीं बल्कि ट्रॉफी को लेकर अपने नाम किया दोस्तों। बहुत तकलीफ की बात है दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।